मिश्र और मर्डर था, एक तरह का जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो दबाव था, जो चाप था, जो षड्यंत्र था, उसके चलते उनका जो एक मर्डर हुआ है, इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर, एक क्रिमिनल इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर सकते हैं, इसपे मैं थोड़ा इसमें गौर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। वो ये कि जैसे आज तो यहाँ बहुत ही हम लोग सजग लोग बैठे हैं, ये अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग होके, प्रोफेसर होके, मंत्री होके बैठे हैं, और आप लोग भी यहाँ रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स वगैरह हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूं कि बावजूद इसके कि हम इतना सजग होके आज यहाँ बड़े बड़े बात भी रख रहे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का जो सवाल है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सूक्ष्म सवाल है। ये आप सिर्फ आंकड़ा देख के कि भाई कितने ब्राह्मण आए, कितने कौन आए, दलित आए, कितने ओबीसी आए, ये जो आंकड़ा, जो नंबर, जो स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ उससे मुझे लगता है कि ये आप बहुत सारा दलित आ गए, बहुत सारे ओबीसी आ गए, बहुजन वर्ग से काफी लोग आ गए इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, उससे मुझे लगता है कि ये संदेशा है कि हम लोगों को ये जो आंकड़ा, ये एक फिक्सिटी है, एक नंबर्स को लेके कि अपना संख्या बढ़ाना अंदर में, क्योंकि आप अंदर तो आ गए, लेकिन अंदर का जो शैक्षणिक जो ढांचा है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का कोर्स कंटेंट आपने कभी देखा है, क्या पढ़ाई होती है? आ तो गए अंदर में, एडमिशन तो मिल गया, लिस्ट में आपका नाम है, और हॉस्टल भी मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल गया, चलिए सब कुछ मिल गया अभी, लेकिन क्या शिक्षा दिया जा रहा है? तो आज मैं देख रहा था, जब हम लोग यहां बैठे हैं, तो ये जो यहां तरह तरह का जो क्या बोलेंगे इसको, पोस्टर्स लगा है, और मैं देख रहा था यहां पे नारायण गुरु है, यहां पे कबीरदास, सत श्री कबीरदास महाराज है, और तरह तरह है, बुद्धा है, काफी सारे लगाया हुआ है। कबीर साहब का जो शिक्षा है, कबीर साहब का शिक्षा, क्या मैंने कभी कबीर साहब का जो शिक्षा है, उनका जो ज्ञान, क्या मैंने स्टूडेंट्स को बांटा आज तक? क्या मुझे वो ज्ञान बांटने का अधिकार है? क्या मेरा जो कोर्स कंटेंट है, क्या मेरा जो लेक्चर्स होता है क्लास में, क्या मैं वो पढ़ा सकता हूं? दलित बहुजन आदिवासी का जो ज्ञान है, क्या वो यूनिवर्सिटी का सिस्टम के अंदर में आया है कि नहीं, ये बताइए पहले। आप बोलते हैं परमिशन दो हमको, वहां अंदर जाने दो, हम भी पढ़ के ऑफिसर बन जाएंगे। मुझे लगता है वही वेमुला को उनका चिट्ठी लोगों ने पढ़ा यहां पे, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं उनकी चिट्ठी से आपको क्या लगता है? सिर्फ चूंकि आज बीजेपी सरकार है, तो आप बीजेपी में नहीं है, तो आप इनको विरोध करके रोहित वेमुला को यूज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ आज का जो 10% इन्होंने एक कुचक्र करके जो इन्होंने 10% का जो रिजर्वेशन लाया, इसको पर्दाफाश करने की जरूरी है, लेकिन सिर्फ ये करके कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से नहीं ये खेल शुरू हुआ है, और ये सोचिए कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर रिजर्वेशन के लिए लड़े, उन्होंने अगर वो वहीं पे अगर रुक जाते तो फिर बात अलग था, तो फिर मैं जो बोल रहा हूं ना ये नहीं होता, ये आपको आपको आप रिजेक्ट कर सकते हैं मैं जो बात हूं। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर बहुत धर्म क्यों उन्होंने अपनाया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अंदर में आप कितना ही रिप्रेजेंटेशन क्यों ना ले ले, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। आप कितना ही ऑफिसर बन जाए, कितना ही नौकरी कर ले, देखिए बहुत सारा दलित एट्रोसिटी जहां हुआ ना, वहां पे बहुत सारा जगह में लोकल एमएलए भी कई सारे जगह में दलित से, दलित कम्युनिटी से थे, आईपीएस ऑफिसर भी दलित कम्युनिटी से थे, कई सारे ऐसे जगह हुआ, फिर भी दलित एट्रोसिटी हो रहा है। यानी कि बाबा साहेब जो कन्वर्सन जो उन्होंने किया, वो
सिर्फ जो आप और मैं जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर ये जो थोड़ा एजुकेटेड जो लोग बन गए बहुजन दलित बहुजन समाज के अंदर, सिर्फ उनका बात नहीं है, उसके बाहर जो इतने जो लोग हैं जो नहीं आ पा रहे, यहां तक भी रिजर्वेशन क्लियर करने के लिए भी नहीं आ पाते हैं, तो बाबा साहेब ने उनके लिए भी एक धर्म परिवर्तन के जरिए एक उनको एक पहचान, एक चिनारी, एक उनको अस्मिता दिलाई। मुझे लगता है कि हम लोग कई बार चूंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर में रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये यहां तक आने का जो अधिकार है ये पूरे दलित बहुजन समाज को ये उपलब्ध है, ये नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आज चूंकि हम इनका स्वागत मना रहे हैं रोहित विमला का, मुझे लगता है कि उस क्षण जब ये अपना अपने आप को शांत कर रहे थे, इस दुनिया को छोड़ रहे थे, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये सिर्फ एक नैरो एक पर्सपेक्टिव से, एक संकीर्ण ढंग से कि भाई हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें और शेयर दो, सिर्फ ये बात नहीं है। आप इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को उस ढंग से आप नहीं देख सकते। और मुझे याद है जब ये जिसको कार्टून कंट्रोवर्सी कहते हैं, एनसीईआरटी के किताबों में वो जो कार्टून को लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, मुझे लगता है कि 2008-2009 होगा, उस टाइम हम में से बहुत सजग प्रोफेसर लोग चीज को पकड़ नहीं पाए, उनको लगा कि नहीं ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लिखने वाले तो बहुत ही प्रोग्रेसिव वामपंथी टाइप के लोग हैं, तो उन्होंने तो अंबेडकर को पहली बार हिंदुस्तान के जो सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में बाकी सिलेबस में पढ़ाना तो उन्होंने शुरू किया, तो अगर उन्होंने कार्टून डाला तो शायद उन्होंने ये एक डिस्क्रिमिनेशन के तहत उन्होंने नहीं किया, तो सही था, हो सकता है सब्जेक्टिवली व्यक्तिगत रूप से उन्होंने शायद कॉन्शियसली दलितों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए वो कार्टून तो नहीं डाला, क्योंकि उस कार्टून में ये था कि पंडित नेहरू अंबेडकर एक ये बन गए थे उसमें क्या बोलते उसको टॉर्टोइस तो हाँ नहीं नेहरू इज ट्राइंग टू तो नेहरू तो उसमें ये था कि अंबेडकर को ये बोल रहे हैं कि तुम स्लो चल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में तुम स्लो चल रहे हो, ये कार्टून निकला था उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो वो पंडित नेहरू अंबेडकर को बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा प्रॉड कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं तो प्रॉड हिम कि राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट इट्स यू गोइंग स्लो। अब वो कार्टून जो उस टाइम छपा था वो रिप्रोड्यूस करके एनसीईआरटी का किताब में था। अब ये बताइए जो मैं पहले जो पॉइंट बता रहा था आपको कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जब हम उस टेक्स्ट को क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे पहले एक पत्ता ने बोला कि भाई तुम शर्मा कास्ट का हो तो तुम पहले बैठ जाओ, जो दूसरा कास्ट से हो तो तुम पीछे बैठो, वो तो नहीं हो रहा है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, एचयू में शायद नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन तरह तरह के ढंग से हो रहा है। और इसमें यह बात नहीं है कि इनके चलते हो रहा है या ये कॉन्शियसली कर रहे, बात वो नहीं है। मुझे लगता है कि हमें क्योंकि ये एक सीरियस गैदरिंग है और आज का ये सीरियस माहौल है, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल ही इंस्टीट्यूशनल जो फोकस हम रखते हैं उससे थोड़ा हटके, मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया कि ये जो पूरा यहाँ लगाए हैं, ये जो हमारे संतों का जो यहाँ पोस्टर लगाया है, ये सिर्फ पोस्टर नहीं रह जाए। मैं तो कह रहा हूं अभी तो मैं वो क्रिटिकल थ्योरी करके पेपर पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, और सुकुमार को पता है उसमें ऐसे कार्ल मार्क्स पढ़ाते हैं, उसमें काफी रेडिकल थिंकर्स वगैरह है, तो मुझे एक बार लगा कि मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गौतम बुद्ध को एज अ क्रिटिकल थिंकर क्यों नहीं पढ़ा सकता हूं, ये मैंने खुद को प्रश्न किया। तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि हो सकता है कि मैं भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन मतलब मैं किसी को चांटा मारूं या किसी का हाथ से पानी छीन दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना,
इसकी मैं सुनता हूं तरह तरह से होता है। आप दलित समुदाय से होते हो भी, हो सकता है आप भी इसी एक नॉलेज सिस्टम, मुझे लगता है कि वीरामिनी भाई पता नहीं कहां चले गए, वो भी सर आई स्टैंड इंडिकेट दिस कि हमें नॉलेज सिस्टम को बदलना है। हम कबीर साहब के नीचे यहां खड़े हैं तो ये क्या सिर्फ कोई पोस्टर है, शाहरुख खान तो नहीं है ना ये, हमें इसके भी जिक्र करना चाहिए। यानी कि मुझे लगता है कि जो बाबा साहेब ने जो कन्वर्सन किया उसका मैसेज, मैं मेरा अपना पर्सनल रीडिंग ये है, मैं ये मानता हूं कि वो हमें इंगित कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन स्टेट स्ट्रक्चर्स जिसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास तबका घुसता है उसके बाहर भी बहुत बड़ी दलित बहुजन समुदाय है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग जिस ढंग का डिस्कोर्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, और जो एक जो छोटा सा तबका जो एजुकेटेड होके यहाँ तक पहुंचा सिर्फ उसके बीच में ये बात हो रहा है। तो मुझे लगता है कि रोहित विमला का जो उनका उनका जो उनका जो स्टेप था खुद को शांत करने का, मुझे लगता है कि उन्होंने उस तरफ इंगित किया है हम लोगों को, उन्होंने बहुत ही डीप लेवल पे इस चीज को फील किया है उन्होंने। अगर सिर्फ वो सोचते कि नहीं चूंकि मुझे हॉस्टल नहीं दिया गया, चूंकि मुझे फेलोशिप नहीं दिया गया इसलिए मैं खुद को शांत करता हूं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग होगा। वो बहुत ही डीप सोच के इसके जो एम्प्टीनेस का जो बात करते हैं कि आई एम नॉट जस्ट हर्ट आई एम एम्प्टी, वो खालीपन जो है, खालीपन सिर्फ कुछ सहूलियत कुछ एक राइट्स नहीं मिला तो खालीपन ये नहीं है, एक डीप सेंस ऑफ एम्प्टीनेस है। मुझे लगता है कि उस तरफ हम लोगों को सोचना चाहिए। और यही बात कहते हुए मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, मैं फिर आप सबको शुक्रिया करते हुए मैं आप सबको जय भीम करके मैं